राम मंदिर के सेवादारों और पुजारियों को सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज डेस्क, और मैं हूं आकांक्षा चौहान। राम की नगरी अयोध्या में जहां एक और राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, वहीं जनवरी 2024 में रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान कराने की तैयारियां और उद्घाटन की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी बीच राम मंदिर के पुजारियों और सेवादारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के सेवादारों और कर्मचारियों को सरकारी विभाग जैसी सुविधाएं मिलने वाली है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि राम मंदिर के सेवादारों और पुजारियों को सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें उन्हें मेडिकल अलाउंस, हाउस अलाउंस, छुट्टी के साथ ही यात्रा और खान पान का अलाउंस भी शामिल किया गया है। हाल है कि जो भी मंदिर बन जाएगा, रामलला स्थापित हो जाएंगे भव्य मंदिर में, अभी जो जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे वो समस्त पुजारियों कर्मचारियों को वही सुविधा ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाएगा। जो सुविधा सरकार अपने कर्मचारियों को देती है, उसमें चिकित्सीय व्यवस्था, उसमें आवास व्यवस्था, उसमें यात्रा व्यवस्था और उसमें रहन सहन खान पान जो भी है, ये सब को सब निश्चित कर दिया है। अभी हम लोग जो पुजारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये कहा कि जिसके पास मकान नहीं है वह है मकान ले, और मकान का जो किराया होगा वो ट्रस्ट देगा, और जिसके पास मकान है वो भत्ता के रूप में उसको मिलेगा। इसलिए जो है ये बहुत सुंदर व्यवस्था जो ट्रस्ट ने करना शुरू किया है वह बड़े महत्वपूर्ण है, और सारे कर्मचारी पुजारियों के लिए किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी, और न उनको चिकित्सा की, न भोजन की, न रहन सहन की, न आवाजाही में, न छुट्टी की। छुट्टी भी जितना उनकी सरकारी छुट्टी होती वही छुट्टी इनको भी दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह लोग पुजारियों की जो उपेक्षा होती है अन्य मंदिरों में कि उनको जो लगा दिया तो पूजा करो, रहो, खाओ, पियो, बस इतनी तक सीमित रहता है, लेकिन बाकी व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसमें उनका विकास नहीं हो पाता। लेकिन ट्रस्ट के माध्यम से जो होगा ये बहुत अच्छी बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण तो चिकित्सा, चाहे लाखों रुपया लगाए लेकिन सारी चिकित्सा का भार वहन स्वयं ट्रस्ट करेगा। उसके बाद भोजन के, रहने की और यात्रा की, आवागमन की जो भी है ये सब कुछ करेगा। इसलिए धन्यवाद ट्रस्ट को है कि ऐसा कार्य जो कर रहा है। ये इसी का उदाहरण जैसे अन्य जो ट्रस्टी हैं, अन्य मंदिर जो ट्रस्ट सरकार ने अधिग्रहण किया है दक्षिण क्षेत्रों में, उनकी ही सुविधा वही सुविधा यहाँ पे दिया जाएगा। और इसमें इससे पहले भी मई के महीने में ऐसी खबर आई थी कि राम मंदिर के पुजारियों और सेवादारों की सैलरी बढ़ा दी गई थी। जिनकी सैलरी 8,000 थी उनकी सैलरी 15,000 कर दी गई थी, और पुजारियों और सहायक पुजारियों की सैलरी भी बढ़ाकर 20,000 से 25,000 कर दी गई थी। अब राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और इसी बीच ऐसी खुशखबरी आना राम भक्तों के लिए और भगवान राम के सेवादारों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। तो अगर आप भी भगवान राम के सेवादारों में शामिल होना चाह रहे थे तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। तो इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।